सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है उसका टाइटल है हुजूर और एक बच्चा। ये जो वीडियो है ये हजरत मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई जी का ही एक बयान है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हुजूर और वो एक बच्चे की क्या स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो एक बच्चा आया ना अपनी माँ के लिए लिबास लेने के लिए, और पहले वो गया अपने चचा के पास। उसकी माँ बेवा थी, उसका लिबास फट गया था और वो अपने चचा के पास गया तो उसने दुत्कार दिया। माँ ने उसको रोका था, बेटा ना जाना, लेकिन उसने कहा कि तेरे बदन के ऊपर जो लिबास है वो भी फट गया और जगह जगह से जिस्म झलक रहा है, तो मैं अपने चचा से आपके लिए लिबास लेके आता हूँ। फिर जो रवैया उसने इख्तियार किया तो वापस रोता हुआ आ रहा था, तो किसी ने रास्ते में पूछा कि क्या माजरा हुआ। उसने कहा चचा के पास गया था माँ के लिए लिबास लेने, उसने दुला के भेज दिया। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि जा सेने हरम में मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा हुआ है, अगर तू अपना दुखड़ा उसके सामने पेश करे तो वो उम्मीद है तुम्हें रद्द नहीं करेंगे, लेकिन सुन ले उनका दीन कोई और है। अल्लाह अकबर। अपने माँ के पास आया तो माँ को कहा कि चचा ने दुला के भेज दिया, लेकिन आपकी हालत मुझे देखी नहीं जा रही। बच्चा अभी शोर की मंजिलों में कदम रख रहा था, पहले बहुत छोटा था, अब उसके अंदर एक जज्बात थे बच्चे के अंदर। तो माँ ने कहा कि बेटा नहीं, उनके पास नहीं जाना, सुना है कि जो उनसे मिले दीन धर्म छीन लेते हैं उसका। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जाने से माँ रोकने लगी, लेकिन बच्चे ने कहा कि अम्मी मैं पक्का रहूंगा, बुतों का वफादार रहूंगा, तुम इस टेंशन को इस परेशानी को छोड़ दो। और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सेहने हरम में चादर ओढ़े बैठे हुए थे और जाके कहने लगा मैं पहले बात आपसे कर लेता हूँ, आपका दीन मैंने कबूल नहीं करना। हुजूर मुस्करा के बोले बेटा बताओ किस लिए आया हो। कहा मेरी माँ बेलिबास है, मैं आपसे लिबास लेने आया। हुजूर ने चादर रहमत उतार के उसके कंधों पे डाली। अल्लाह अकबर। वो वापस आ गया और माँ पर हुजूर की चादर उड़ाई। अल्लाह अकबर। और माँ ने कहा कि बेटे उसने अपना दीन तो नहीं तुझे दिया। कहा ना, मैंने पहले कह दिया था तेरे दीन नहीं मानूंगा। माँ कहने लगी पुत्र उसका दीन मानना चाहिए, ये जिसने रहमत की चादर हमारे सर पे उतार दी। अल्लाह अकबर। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए। उस बूढ़ी औरत का किस्सा भी आप नहीं भूल सकते जो घर का सामान बांध के अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी, और उसने सुना था मक्के में एक जादू घर आया है जिसे मिलता है उसका दीन छीन लेता, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उससे मुलाकात हो जाए, वो दीन ही मेरा छीन ले, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। घर के फड़े के ऊपर सामान बांध के बैठी है, हुजूर भी गुजरे। उसने देखा तो कहा भतीजे ये सामान मेरे सर पे रख दे। हुजूर ने सामान उठाया, देखा तो बोझल था, वजनी था, और बुढ़िया को देखा तो कमजोर थी। वो कहा कि बुढ़िया अगर चाहो तो जहां चाहती हो, मैं खुद न छोड़ा। उसने कहा इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी। हुजूर ने सामान उठाया हुआ है और बुढ़िया से बातें भी करती। तो बुढ़िया को कहा क्यों जा रही है। उसने कहा कि सुना है यहाँ एक जादूगर है जो लोगों का धर्म लूट लेता है, लोगों का दीन लूट लेता है। मैंने सारी जिंदगी बुतों से वफा की, मेरे अबाओ अजदाद ने बुतों से वफा किया, मैं चाहती हूँ दीनी अजदाद हाथ से छूट ना जाए, आखिर शहर में रहती हूँ कहीं मिल ना जाए। खैर हुजूर ने कुछ नहीं कहा, उसका सामान नहीं फेंक दिया कि ठीक है तुम फिर जाओ। सामान उसका उठाया और जहां तक उसने जाना था सामान पहुंचाया, सामान सुपुर्द करके वापस पलटने लगे। तो उसने कहा बच्चे अपना नाम तो बता दे, लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो बताऊंगी एक जादूगर के दुख से छोड़ आई, तो वो कितना बुरा भला कहेंगे शहर मक्का को कि जिस मक्का से लोग नकली मकानी करने पे मजबूर हो गए। तो मैं उन्हें यह भी बताऊंगी कि जिस मक्के में जादूगर रहता है इतना अच्छा नौजवान भी रहता है, तो तेरा नाम लिया करूंगी, तेरे कसीदे पढ़ा करूंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्करा पड़े, कहा बुढ़िया जिस जादूगर से भाग के आई है वो तेरे सामने क्या। उसने कहा सच से आप ही मोहम्मद हैं। हुजूर ने फरमाया नाम मेरा यही है। तो उसने कहा फिर आपका जादू मेरे पे चल गया है। अल्लाह अकबर। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए, लोगों की खिदमत करें, बूढ़ों के काम आए, दुखियों के काम आए, मुसीबत जदा के काम आए। हुजूर यतीम होके यतीम परवरते, लाचारों की मदद करते, लोगों के घरों में पानी भर के दे देते, और दुखियों के काम आ जाते और मुसीबत जदों के काम आ जाते। तो हुजूर से प्यार करने वालों, उम्मत में आपस में हस्त ना फैलाओ, बुगज ना करो,
नफरतों के पहाड़ खड़े ना करो, एक दूसरे से प्यार करो, जुड़ो, उम्मत उम्मत वाहदा बने और अपने माहौल को, अपनी मुआशरत को एक खूबसूरत मुआशरत का रंग दो और अपनी जिंदगी को हुजूर के नाम कर दो। तो बहुत ही अच्छा मैसेज है इस वीडियो का कि अगर आप किसी की मदद करते हो, किसी के लिए कुछ करते हो, तो ये दिल में रख के मतलब करो कि मतलब ये इंसान उसके बदले में हमें क्या देगा या उसके बदले में हमारा दीन कबूल कर लेगा। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने जितनी भी स्टोरी सुनी है वो हमेशा लोगों की मदद करते थे, कभी उनके दिल में ये नहीं होता था कि ये इंसान जब मेरा दीन इस्लाम कबूल कर लेगा उसके बाद में ही मैं इसकी मदद करूंगा। उनके दिलो दिमाग में कभी ये चीज़ नहीं रहती थी। उनके जो सहाबा थे उनको भी ये कभी नहीं होता था कि ये इंसान हमारे नबी का दीन जो है इस्लाम उसको कबूल करे, उसके बाद ही हम उसकी मदद करेंगे। वो कभी ऐसा नहीं सोचते थे, बस अपनी तरफ से वो सब लोगों की मदद करते थे, दिल में ये तमन्ना रख के, या कह दो कि उनके दिल में ये डर था कि जब हम मरने के बाद में उस अल्लाह के सामने जाएंगे और उस क़यामत वाले दिन में हम उस अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हमारे आसपास हमारे एरिया में मतलब इतने लोग दुखी थे या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमने उनकी कोई मदद नहीं की। तो इसीलिए वो बस अपने साफ दिल से सब लोगों की मदद करते थे। वो कभी ये कंडीशन नहीं रखते थे कि आप मेरा दीन कबूल करो उसके बाद ही हम तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा वो कभी कोई किसी के सामने कंडीशन नहीं रखते थे। तो ये था कि वो अपने दिलो जान से सबकी मदद करते थे और बदले में लोग चाहे इस्लाम को कबूल करें या ना करें वो उनकी खुद मर्जी होती थी। बट नबी से मिलने के बाद लोग उनसे इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते थे कि वो एकदम से मतलब तुरंत ही डिसीजन ले लेते थे कि हमें इस्लाम कबूल करना है। तो इस वीडियो में भी उन्होंने दो एग्जांपल दिए हैं, एक बूढ़ी अम्मा वाला और एक वो बच्चे वाला। दोनों ही इंसिडेंट बहुत ही प्यारे हैं और मतलब मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी इनको सुन के थोड़ा सा मेरे, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, तो जब मैंने ये सुन रही थी तो थोड़ा सा मेरे दिल में ऐसे पेन हो रहा था। पेन को या जो एक होता है ना कि मतलब हमें बुरा फील होता है किसी के लिए कि ऐसा किसी के साथ बुरा हुआ और जो इंसान उनके साथ अच्छा कर रहा है लोग फिर भी उसको बुरा ही बोल रहे थे, तो ऐसा क्यों हो रहा था? पता नहीं उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी कि कुछ लोग नबी को गलत समझने लग गए थे, जादूगर समझते थे, लेकिन वो कुछ जादू नहीं करते थे। और जितनी वीडियोस आज तक मैंने देखी भी हैं हुजूर साहब के ऊपर, कभी ये नहीं मैंने सुना किसी वीडियो में कि हुजूर साहब लोगों से लड़ाई झगड़ा करते थे या उन्हें फोर्सफुली वो इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करते थे। वो लोगों की अपनी मर्जी होती थी कि वो उनसे मिल के, उनके काम को देख के या उनकी बातों से इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते थे कि वो अपना दीन छोड़ के इस्लाम कबूल कर लेते थे। तो ये लोगों की अपनी पर्सनल मर्जी होती थी, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बट फिर भी लोग जो गलत समझते हैं उनको तो चाहे कुछ भी हम लोग कुछ एविडेंस दे दें या कुछ प्रूफ भी उन्हें दिखा दें कि ये सब हैं, इसी के बेस पे लोग अपना दीन अपने आप से अपने आप से ही अपना दीन छोड़ के इस्लाम को कबूल करते हैं, बट लोग अपने ही एक्सक्यूजेस देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे लोग उस टाइम पर भी थे, ऐसे लोग आज के टाइम पर भी है, तो उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।